हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे, सब भले चंगे होंगे। सो मेरा नाम है अंजलि है और आपका वेलकम है अंजलि रेगुलर जी के क्लास में। सो फ्रेंड, आप लोगों से कल मैंने एक क्वेश्चन पूछे, उस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग नहीं दिए। कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन उसका आंसर मैं लिखी हूँ, मैं बता देती हूँ। एंड प्लीज़ मेरा क्लास अटेंड किया करिए। सो क्लास देख लीजिए, यहाँ पे है जो कल मैं क्वेश्चन दी थी, आपको याद करवा देती हूँ। बुद्धिवाद वा सिद्धांत है जिसके अनुसार बुद्धि, यही था आपका क्वेश्चन। आंसर इसमें है ज्ञान प्राप्ति का साधन है। ओके, सो यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन। दुख के कारणों को जानने के लिए द्वादशा निदान का प्रतिपादन किस दर्शन में किया गया है? तो इसका आंसर है बौद्ध। ओके, तीसरा क्वेश्चन है विवर्तवाद के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य। चौथा क्वेश्चन है चाणक्य के दर्शन में चार पुरुषवादों में से किसे चरम लक्ष्य माना गया है? तो काम को। ओके, पांचवा क्वेश्चन है सय्यववाद का संबंध किस दर्शन से है? तो जैन से। आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतनी क्यों स्माइलिंग कर रही हूँ, तो इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग मेरी जो क्लासे है जीके की, उसको आप लोग नहीं देखते हैं। अगर देखते हैं तो कोई ना कोई एक आठ ही लोग, एक दो ही लोग कमेंट बॉक्स में करते हैं कि इसका आंसर क्वेश्चन का। बट मैं और भी मेहनत करूँगी आप लोगों के लिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी जिससे आप लोग मेरी क्वेश्चन पे फोकस करें। एंड और भी क्लास, और भी आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। थैंक यू। सो फ्रेंड, बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स गो। यहाँ पे क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के सत्यकारवाद का अर्थ है कार अपनी उत्पत्ति के पूर्ण कारण में विद्यमान रहता है, इसका ये आंसर है। ठीक है, और सातवां क्वेश्चन है गुरु मत के प्रवर्तक हैं प्रभाकर मिश्र। ओके, और आठवां क्वेश्चन है स्पिनोजा ने ज्ञान के कितने सोपान बताए हैं? स्पिनोजा ने ज्ञान के कितने सोपान बताए हैं? तो इसका आपका आंसर है तीन। ठीक है, और ये नवा क्वेश्चन है ज्ञान का विकास एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग किसकी दर्शाने कृति है? फ्रांसीसी बेकन की है। ठीक है, दसवां क्वेश्चन है बुद्ध के किस आर्य सत्य में यहाँ विचार निहित है कि दुख का कारण अविद्या है? द्वितीय, इसका ये आंसर है। सो फ्रेंड, आप लोग को मेरा क्लास कैसा लगा? आई होप आप लोग कुछ मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ रेगुलर में आप लोगों से कि मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर लिख के नहीं बताएंगे कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, अच्छा पढ़ाती हूँ कि नहीं पढ़ाती हूँ, मुझे अपने क्लास में चेंजिंग लाना चाहिए, कैसी बतानी चाहिए क्वेश्चन, इस सब के बारे में अगर मुझे नहीं बताएंगे तो आप लोगों को कैसा क्वेश्चन चाहिए जीके में, कैसे क्वेश्चन चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं कैसे आप लोगों को बताऊंगी अपना ये सवाल क्लास में कैसे। सो प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़ हेल्प मी। आप लोगों से मदद मांग रही हूँ कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को देखा करिए, लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके फ्रेंड, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, कुछ तो उसका सपोर्ट मिलना चाहिए। ओके, माय यूट्यूब अंजलि रेगुलर जी क्लास में आपका स्वागत है। सो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। सब अच्छे रहें, सब भले चंगे रहें। जय माता जी।